रेहम खान ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि इमरान खान का मुराद सईद के साथ अफेयर है। बेसिकली उसने ये कहने की कोशिश करी कि इमरान खान बाइसेक्सुअल है और उसका जो लड़कियों के साथ अफेयर वो तो है ही है अपने मंत्री के साथ, उस समय मंत्री नहीं था ये, तो इसको मंत्री इसीलिए बनाया। फवाद हुसैन चौधरी को भी कॉल आ गया। कॉल क्या आया है, दो तीन मंत्रियों में जिसमें फवाद हुसैन भी शामिल हैं, उनमें कॉल आया है कि यार देखो देखो साफ सीधी बात है, अब तुम ना इमरान खान के ज़्यादा चिपको मत, तुम न्यूट्रल गियर पे चले जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि तुम खिलाफ वर्जी करो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम इसके खिलाफ बयान दो, लेकिन तुम न्यूट्रल में चले जाओ। क्यों? क्यों कि इमरान की सरकार गिरेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इमरान की सरकार गिरेगी। मेरा हर ट्वीट, लगभग आप 98% ऑफ माई ट्वीट्स आर अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, राइट, बट दे आर ऑलवेज विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी। मैं गाली गुफ्तारी नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा ट्वीट बच्चे भी पढ़ते हैं, लेडीज भी हैं, ठीक है, कई पाकिस्तानी मुझे गाली भी देते हैं, गंदे गंदे गाली, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं पाकिस्तानियों को आज बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो बुशरा बीबी हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उनकी जो वाइफ है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये इन सब चीज़ों पर बात किया है और ख़ुद वो मानते हैं कि ये सब जो न्यूज़ था वो बिल्कुल सही था। दोस्तों उसके बाद से एक जो ये न्यूज़ आया ना कि उसके बाद से जो उनकी गर्लफ्रेंड एक बार फिर से एक बार जो इमरान खान की एक न्यू गर्लफ्रेंड है वो भी पकड़ी गई हैं और ये खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैला क्योंकि इमरान खान ने अभी 3 शादियां कर चुके हैं और उसके बाद से ये न्यूज़ आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है क्योंकि इमरान खान जहां पर इस्लामिक बातें करता है और कहता है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए लेकिन खुद वो 4-4 शादियां करना चाहता है और उसके पास से ये कयास भी लगाया जा रहा है कि वो एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो ये 4th शादी होने वाला है और इसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग जो हैं या फिर जो पाकिस्तान के में जो अपोजिशन में है वो लोग इमरान खान की जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे कर बढ़ते हैं, देखते हैं कि मित्र गौरव आर्या ने भी इन सब चीज़ों पे क्या कहा है। कल्चर इमरान खान लेकर आया कि आप किसी भी हद तक गिर जाओ दुश्मनी में। इमरान खान ने कल्चर लेकर आया कि किसी भी हद तक आप गिर जाओ और इस हद तक गिर जाओ कि किसी के परिवार को, किसी की फैमिली, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहू, किसी को भी आप छोड़ो मत। आप सियासी रंजिश में इतने पागल हो जाओ, इतने जुनूनी हो जाओ कि बिल्कुल आप सत्ता के लिए कुछ एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है और वो लकीर वैभव कोई पार नहीं करता, ठीक है। हम लोग ना, मैं अक्सर ये बात कोट करता हूं, हमें फौज में सिखाते थे कि यार दुश्मनी में भी शराफत होती है, ये एक उसूल होता है जंग का कि निहत्ते पे वार नहीं करना, है ना। दुश्मन फौजी है, अगर जख्मी है तो उसको फर्स्ट एड देनी है, अगर दुश्मन फौजी प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ, लुक आफ्टर हिम, एक कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स आज से नहीं है, कई हजारों साल से पहले, अब तो वो कोडिफाई हो गए, एक जमाने में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था। वैसे आजकल आचार संहिता लगती है ना इलेक्शन के पहले, तो आचार संहिता लगी थी और हिंदुस्तान में हर समय माना गया है। इवन द नाइट्स, यू नो, एक जमाने में जो नाइट्स थे दे हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट, द स्पार्टन्स हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट। दिस मैन हैज नो मोरालिटी, इमरान खान, ही हैज नो कोड ऑफ कंडक्ट, हर चीज जायज है। अगर आपके बारे में झूठ बोल के कैरेक्टर असैसिनेशन करते कर देगा वो, उसके लिए हर चीज, इमरान खान के लिए हर चीज जायज है। देर इज नो मोरालिटी इन दिस, देर इज नो ऑनर। तो किस किस तरीके के सांप पाले हुए हैं इमरान, खुद ही बहुत बड़ा अजगर है वो, तो बाकी सांपों की क्या हैसियत है। अली अमीन गंडापुर, लंबे लंबे बाल वाला, शैंपू की एड वाला, वो जाके पब्लिक स्पीचेस में कहता है कि मरियम नवाज ने 50 लाख रुपए की सर्जरी करवाई है और ये आपका, मैं वो वर्ड्स नहीं, हम खानदानी लोग हैं, गंडापुर पता नहीं कौन सी नाली में पैदा हुआ है, किस नदी में मरेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसे लफ्ज मैं ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूं, इतने बुरे लोग हैं किसी खातून के लिए, ठीक है। मरियम का पैर पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन लेकिन ये भी सुन लो,
कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की दो हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। और अगर मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड उसका इतना भी लगा लूं, तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। देखिए गंडापुर इमरान खान जैसे लोग ये अपने घर में भी लेडीज से ऐसी बात करते होंगे, मैं बता रहा हूं वैभव, ये अपने घर में औरतों से ऐसी बातें करते होंगे। क्योंकि जब आप पब्लिक में किसी लेडी की बेइज्जती करते हैं ना, उस लेडी की बेइज्जती नहीं होती, आप अपने घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि यह दिखता है कि आपकी परवरिश कैसी थी। ठीक है, अली मोहम्मद खान है इनका स्पोक्स पर्सन, है बड़ा शरीफ किस्म का आदमी है। इन्होंने एक मीटिंग बुलवाई वैभव, इमरान खान भी था वहां पे और बाकी वो शहबाज गिल भी था और वो मुराद सईद भी था, ये सब मित्रमंडली थी इमरान खान की पूरी की पूरी। तो अली मोहम्मद खान को खूब सुनाया गया वहां पे ना, खूब मतलब बिल्कुल कि उसको बिल्कुल टाइट करा गया, तड़ियां लगाई गई उसको। बेसिकली ये बोला कि तुम इतनी तमीज से क्यों बोलते हो, शहबाज गिल बदतमीज है। और जब शहबाज गिल जब टेलीविजन पे, देखो टेलीविजन पे ऊंची आवाज में सब बात करते हैं जब लड़ाई होती है, ठीक है आप ऊंची आवाज में, पर इवन आई गेट वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन टेलीविजन, पर मेरे दिमाग में ना हर समय एक बात रहती है यार, एक लाइन है यार, यू कैनॉट क्रॉस दैट लाइन। आप वो लाइन क्रॉस नहीं कर, आपको जो मर्जी टीवी पे बोलो, मैं खुद कहता हूं कितनी बार ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, मैं 10 बार बोलता हूं ठीक है, आप वो वर्ड्स बोलो जो कोई परिवार सुन सके, क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज है ना जो पूरी फैमिली एक साथ देखती है। मैं अपने घर की बात करूं, सब लोग एक साथ मिलकर देखते हैं टेलीविजन ना, तो ये लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अच्छा ये अली मोहम्मद खान ये कबायली आदमी है, पठान है, वो पठान गाली गलौज करते नहीं है, फिर पठान सीधा यही करते हैं, फिर उनका पठानों को कोई दरमियानी गैर तो होता नहीं है, तो हमारा मेहमान मारेगी, हम तुम्हारा मेहमान मारेगी, बस पठान गाली गलौच नहीं करते। ये क्या बताएं यार, उसको बोला कि तुम शहबाज गिल से सीखो, थोड़ा मुराद सईद से सीखो, क्या सीखे हैं, बदतमीज किस्म के लोग हैं, है ना, तो उनसे सीखो। तो उनको इमरान खान कह रहा है कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, अली मोहम्मद खान को। अब वो बड़ा पोलाइट आदमी है यार, और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेसेस में आप एग्रेसिव हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मेरी कितने लोगों से लड़ाई होती है यार, मेरी कितने लोगों से, क्या कभी मैंने बोला ऐसी, मैंने कभी नहीं बोला। इफ आई एज अ नॉर्मल सिटीजन एन एवरेज, बड़ा आम जिसको कहते हैं एक नागरिक इस देश का, अगर मुझे मर्यादा का ध्यान है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं, मुझे एक बात यह समझ में नहीं आया। तो मुल्क 22-23-24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसका वो वजीर आजम है, उसको क्यों नहीं ये ध्यान है कि आप। लेकिन ये जो कल्चर है ना, मैं बेसिकली गेट नंबर 5 रावलपिंडी ने यही बात बोली है कि इमरान खान धनिया तुम बो दिए हो, तो जो बोया है वही तो काटोगे तुम, तुमने धनिया बोया है, अब कोई उसकी चटनी बनाएगा। तो हम कुछ कुछ लोगों को आशीर्वाद देकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ये सोचो कि हम सबको प्रोटेक्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो बेसिकली चौधरी फवाद हुसैन को यह बोला है कि भाईजान आप थोड़ा हल्का हाथ रखें, इमरान खान से 2 कदम पीछे हो जाएं और न्यूट्रल गियर पे आ जाओ, क्योंकि तुम तो हमारे प्यादे हो। और एक बात है, जिन 2-3 लोगों को फोन गया ना वैभव, वो अगली सरकार में भी मंत्री होंगे, ये तो पाकिस्तान का दस्तूर है ना। कुछ लोग जैसे शेख रशीद है, शेख रशीद पता नहीं बचपन से मंत्री है वो, है ना, बचपन से वो जैसे आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर, बट हमारे यहां एक्टर नहीं होते थे वो इमाम साहब बने थे शोले में, एक अंगल, वो बचपन से ही ओल्ड मैन थे, वो 23-24 साल की उम्र से ही दादा का रोल प्ले कर रहा, ये ऐसे ही है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने कुछ छोड़ा नहीं यार वैभव, इमरान खान ने कुछ छोड़ा नहीं, उसने बहुत जिसको कहते हैं कि गटर में उतर के सियासत ले गया पाकिस्तान की, ये गाली गलौच, माँ बहन की गालियां, पब्लिकली ट्रोल करना, औरतों के कैरेक्टर पे सो कॉल्ड जिसको कहते हैं ना कैरेक्टर, ऐसा नहीं, ये चीजें लड़ाई करो, खून खराबा करो यार, सर कलम करो,
लेकिन इज्जत कर। लखनऊ में कहते हैं ना, एक 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 कहानी में सुनाता हूं बढ़िया से। तो एक आई विल नॉट टेक नेम्स, बट मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये लखनऊ की कहानी मुझे भी सुनाई थी किसी ने, मे बी इट्स एन अर्बन लेजेंड ना, जैसे अर्बन लेजेंड होती है ना कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल देते, लेकिन कि एक आदमी का मर्डर करवाना था। अब मुझे नहीं पता ये कहानी सही है कि गलत है, बट मैंने सुनी है एक कहानी का। तो गोमती नगर से इंदिरा नगर जाते हैं ना बीच में, तो बीच में चुंगी है रेलवे का ना फाटक है, तो कुछ पैसे वैसे दिए होंगे उसको कि ये आदमी है और इसको मार डालो तुम, तो इसको किल हिम, मर्डर हिम। तो लाए भैया आपके, आप ही की साइड के थे वो, ठीक है, पूरब के थे वो, है ना, फ्रॉम द बैड लैंड ऑफ ईस्टर्न यूपी। तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये कहानी मैंने सुनी है कि जब वो फायर कर रहा था तो अपने आप को जोश देने के लिए ना, उसका कस्टमर लखनऊ था, लखनऊ का कोई खानदानी शख्स था, तो वो जो शूटर था ना वो गंदी गंदी गालियां देके गोली चला रहा था अपने आप को जोश दिलाने के। लोग कहते हैं ना कि यू नो ये वो जिस किस्म की गालियां, वी ऑल नो, तो गालियां देके कर रहा था। तो सडनली जो शूटर था ना उसके कंधे पे हल्का सा टैप आता है और उसका जो क्लाइंट है जो लखनवी है उसके पीछे खड़ा है, और शूटर को क्या कहता है, कहता है कि मियां ये लखनऊ है, कत्ल करने के पैसे दिए थे, बदजवानी करने के पैसे नहीं दिए थे, यू बी पोलाइट, यू किल हिम, आपको किसी की हत्या करनी है आप हत्या कर लीजिए, गाली गलौज मत करिए, दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। तो दिस इज ये यही कहना चाहता हूं कि हम तो डेली लड़ते हैं यार पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी स्टेट से भिड़ते रहते हैं।